नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम कड़ी है और जिस तरह से अधिसूचना जारी कर दी है उसके बाद कल एक बैठक होती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि 10,000 नौकरियां जो है युवाओं को दी जाएंगी। 50,000 नौकरियों पंच कसा था, यहाँ पर कांग्रेस ने कसा था या फिर मैं कहूँ विपक्षी दलों के नेताओं ने कसा था। 10,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के पाले में आने वाली, क्या कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे उदय जी? क्या लगता क्या है 10,000 नौकरियों के लिए अब कहीं ना कहीं वो समय नज़दीक आ गया? ये नौकरियों की बात किसने कही? बीजेपी सरकार ने। ये बीजेपी सरकार वही है जो अभी कहते कहते नहीं थकते थे कि 50,000 नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरियां देंगे। 50,000 से ये 10,000 में आ गए और अभी तक रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट तो हमारे पास कुछ नहीं आया। तो जब तक रिटर्न कुछ नहीं आया हम कुछ नहीं कह सकते कि 50,000 हैं, 10,000 हैं या 10 हैं या एक। आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास ही नहीं है भाजपा पर। किस तरह से कर सकते हैं आप कैसे कर सकते? आप इतने एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, ये वही भाजपा है। आपने खुद कहते हुए नहीं थकते थे 50,000 नौकरियां आ रही हैं, 50,000 आ रही है। रविंदर रैना जी कहते नहीं थकते थे 40,000 लाइन में है, 10,000 आ रहे हैं। तो वो यही 10,000 भी लाइन में ना लग जाए इसका मेरे को बहुत बड़ा डर है। लेकिन चलो जितनी भी नौकरियां आए, लेकिन बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर का वो युवा है जिसके पास 4G नहीं है। आज पूरी जगह में, पूरे देश में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, हर जगह का स्टूडेंट जो है सफर हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के कारण उसका जो डैमेज कंट्रोल वो हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कहा गया था कि तमाम महिलाओं के बच्चों को अधिकार मिलेगा जिनकी शादी बाहर हुई थी, लेकिन बच्चे जो है उनको अधिकार यहाँ पे मिलेगा। 15 साल से जो लोग यहाँ पर हैं उनको मिलेगा, 10 साल से हैं यहाँ पर मिलेगा, 10, 12, ये तमाम चीज़ें अब इसको कैसे देखेंगे जो है अब अच्छी कड़ी है इस पूरी राजनीति। देखिए अरसे लग जाते हैं, सदियों की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो जाकर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अधिकार किसी राज्य को मिलते हैं। और ये जो अधिकार हैं ये कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस ने इसको मजबूत ज़रूर किया होगा, लेकिन ये अधिकार जो है इसकी शुरुआत महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा हुई थी, जो उन्होंने सोचा कि जम्मू के डोगराओं को बचाने के लिए उनको स्पेशल स्टेटस देने के लिए अधिकार देना ज़रूरी है। और ये जो डोमिसाइल लॉ लाया इससे कांग्रेस का नहीं, किसी और का नहीं, सबसे पहले तो महाराजा हरि सिंह जी की बेइज्जती की है बीजेपी ने उनके लॉ को ही तोड़कर। और केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन साथ ही साथ भाजपा के पूछे तो हम ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि स्टेटहुड वापस लाएंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक संघर्ष की बात है, तमाम इलेक्शनों में भी देखेंगे अभी भी, लेकिन उनका ये तर्क है कि केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया क्योंकि आतंकवाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बहुत था, हम चाहते थे वो खत्म। एक तरफ वो कहते हैं कि जम्मू का इसका मतलब हम नॉर्मल नहीं है, चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, तो फिर इसलिए फिर हमारे स्पेशल राइट्स क्यों उन्होंने छीन लिए। एक तरफ कहते हैं स्पेशल राइट्स हम इसलिए छीन रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल हो गया है, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ऐसा है आतंकवाद वो ज़्यादा है। अगर आतंकवाद ज़्यादा है इसका मतलब हमारे स्टेट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे टाइम से पढ़ नहीं सकते, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ होता है, स्कूल्स बंद रहते हैं, कॉलेज बंद रहते हैं, इसलिए बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, उनके फ्यूचर को बचाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर नहीं, अगर नॉर्मल नहीं है तो है, अगर साल का भी जिक्र होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेनी है। एक तरफ से हम यहाँ पर कह रहे थे कि तमाम वो बातें कर रहे थे कि यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे बच्चों को उस तर्ज तक सके। आप लोगों ने ही सवाल उठाया था कि डोमिसाइल अगर आप ला रहे हैं लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं दिया, एजुकेशनल क्वालिटी नहीं है, अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वहाँ पर डोमिसाइल का जिक्र। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, एक तरफ से बीजेपी को यहाँ फायदा लगता है, वो कहती हैं कि स्टेट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, स्टेट नॉर्मल हो गई है इसलिए हमारा डोमिसाइल लॉ हमसे छीन लिया, स्टेट नॉर्मल हो गई है इसलिए बच्चों पे कंपटीशन और ज़्यादा लगा दिया, स्टेट हमारी नॉर्मल हो गई है इसलिए हमारे जो स्पेशल राइट्स है सारे छीन लिए। दूसरी तरफ जब हम बोलते हैं कि यहाँ हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को 4G चाहिए, उनकी स्टेट नॉर्मल नहीं है। 202 का भी जिक्र आप विपक्षी दल के नेता के तौर पर करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, उस पर नेताओं का ध्यान नहीं है, 24 पर ध्यान नहीं है। लगता है कि जब 10,000 नौकरियों के पद जो है वो वहां पर भर दिए जाएंगे उसके बाद 24 और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 202 की बात हो या JNK का जो भी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ जिसमें जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे उनकी भी स्टेटमेंट आई जम्मू के लोग ज़्यादा थे इसलिए कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, तो इन पर क्या विश्वास किया जाए? मेरे को कोई यकीन नहीं है कि 10,000 नौकरियां भी आएंगी कि नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों को, इनको सत्ता पे लोगों ने लाया, ठीक है कांग्रेस में कोई कमी आपको दिखी होगी जनमत का जो फैसला, लेकिन आप जानते हैं मीडिया जो एक्टिव मीडिया है जम्मू कश्मीर की, और मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, JNK की मीडिया की दाद देना चाहूँगा, ये बायस नहीं है, हर एक परेशानी जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को या लोगों को आई मीडिया ने उठाने का काम किया है, लेकिन
आपको ये चीज़ बता दूं, ये बीजेपी वाले इतने घमंड में क्यों हैं? क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं एसआरओ 202, जेएनके बैंक की हो, डोमिसाइल्स की, हमारे यहाँ पे टोल प्लाजा लग गए, सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन बीजेपी इतनी अकड़ में क्यों है? वो क्यों नहीं, उनको कुछ परेशानी हो रही? क्योंकि बीजेपी लास्ट में बोलेगी मैं हिंदू मुसलमान कर दूंगी और फिर से लोगों का खून चूसना शुरू कर देंगे। मीडिया को भी अपील करता हूँ और आप सब लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है इस गवर्नमेंट से। अगर आप इस गवर्नमेंट को वोट फिर से देना चाहते हो, इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए कि इन्होंने क्या क्या किया। और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम सड़कों में आते थे तो इन्होंने क्या हमारी बात सुनी? आज जेएनके बैंक के एस्पिरेंट्स जो थे, जिन जो लिस्ट में आए थे मेरिट लिस्ट में, वो खड़े हैं, उनका सुना गया। एसआरओ 202 के लोग, उनका सड़क है एसआरओ 24 बाहर निकाल दिए गए विदाउट एनी इंटीमेशन। क्या गवर्नमेंट उनका सुन रही है? ऐसे हजारों जगह हैं, डेली वेजर से उनका सुन रही है। अगर ये सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही, आम परिवारों की नहीं सुन रही, तो फिर किस लिए है ये सरकार? साफ तो हो गई कि भाजपा कहती है कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। अब कांग्रेस कह रही है हमसे हमारा रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था, अब आप इनसे भी इनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए। देखिए कि फर्क क्या है, हम विभाजन की राजनीति नहीं करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, जबकि भाजपा अहंकार में चूर होकर देश को तोड़ने की बात करती है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।